और देखते कौन जीतता है। फटरी इसके फटरी तो अभी यही गिव अप कर दे, लड्डू छोड़ जा ब्रो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे सिंह व्लॉग्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजे सिंह व्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में पहली बार एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें चूरमा खाओ और सूरमा बन जाओ का करके टाइटल है, और चूरमे की प्रतियोगिता हो रही है। और हमारे नारायण जी भाई साहब हैं, वो मतलब उनका नशा मुक्त युवा भारत करके उनका एक NGO है जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर वो वीडियोस बनाते रहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है जिसमें कि चूरमा खिलाया जाएगा और जीतने वाले को 5100 रुपये, सेकेंड प्राइज जो है वो 3100 रुपये, और जो थर्ड प्राइज़ है वो 2100 रुपये है। और इसमें एंट्रीज लगभग 210 एंट्रीज हो चुकी है, और भिलवाड़ा के जितने भी पहलवान हैं और जितने भी अखाड़ा के मुस्टंडे हैं सब ये आएंगे और चूरमा खाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है प्रोग्राम, बहुत मज़ा आने वाला। अंसाज भाई भी मेरे साथ में और लखन भी मेरे साथ में, बहुत मज़ा आने वाला। दोस्तों वीडियो को पूरा देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो घंटे का बटन है उसको जरूर प्रेस करके जाना भैया। और ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये प्रतियोगिता इसलिए हो रही है क्योंकि 5 गरीब बच्चे जिनके माता पिता नहीं, उन गरीब बच्चों को फंड दिलाने के लिए उनका मकान बन गया, उनको शिक्षा के लिए उनको 1.5 लाख में फंड की इकट्ठी हो चुकी है। पूरे भिलवाड़ा के लोगों ने सहयोग किया और बिना किसी मदद के, केवल एक वीडियो बनाकर डाला था हमने, उस वीडियो को देख के लोगों ने 1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। भाई लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सपोर्ट करो, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, पूरा देखना, बहुत बेहतरीन वीडियो बनने वाला है। तो गाइज ये है नारायण जी भाई साहब, अपना नशा मुक्त युवा भारत करके इनका NGO है जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, और मेवाड़ के इतिहास में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है, चूरमे का प्रतियोगिता करवाई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। चूरमे की प्रतियोगिता, जो सबसे ज़्यादा चूरमा खाएगा उसको इनाम है, क्योंकि लोग दूसरे खान पान में ज़्यादा जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अपना देसी जो खान पान है उसको खाना शुरू करें जिससे ताकत भी आए, और इसके पीछे एक और 5 अनाथ बच्चों की हेल्प करने का ये कार्यक्रम है। इसमें उन बच्चों को आर्थिक मदद और भी बहुत सारी चीज़ें उनको जो ज़रूरत की है वो देंगे, और जो भी भाग ले रहे हैं प्रतियोगी उनसे यही है कि कम से कम देसी खाने को महत्व दे, ताकि अपनी जो पहचान है जो चूरमा, जैसे दाल बाटी चूरमा जो खाए वो चूरमा, तो उसको सत्य साबित करते हुए इस जो बाहर के जो खाने व्यंजन जैसे पिज्ज़ा बर्गर जो अपना पेट ख़राब करते हैं उनको छोड़कर देसी खाना खाए। तो गाइस सीधी सीधी बात ये है कि देसी खाओ मस्त रहो, ठीक है ना, जो स्वाद देसी में है वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है कभी कभार ठीक है, लेकिन आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है फास्ट फूड को, जंक फूड को, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो देसी खाओ मस्त रहो। तो गाइस देखिए चूरमा बन रहा है बन चुका है, लड्डू बना रहे हैं, देखिए ये हमारे राजस्थान का स्पेशल जो है खाना है, देसी खाना है, उसकी श्रेणी में आता है दाल बाटी चूरमा। तो अभी चूरमे की प्रतियोगिता है, जो सबसे ज़्यादा खाएगा फर्स्ट प्राइज जो है 5100 रुपये, सेकेंड जो है 2100 है, और थर्ड जो है 2100 रुपये। एंट्री फीस इसमें 200 रुपये रखी गई है, ताकि जो पैसा आएगा वो बच्चों में कंट्रीब्यूट किया जा सके। और जो एंट्रीज है लगभग 210 एंट्रीज, लगभग 225 एंट्रीज हो चुकी है, और सारे पहलवान धीरे धीरे करके मुस्टंडे इकट्ठे हो रहे हैं, तो अभी सब खाएंगे। हंसराज भाई तुमने एंट्री करवाई नहीं करवाई? नहीं मैंने करवा दी, लेकिन पैसे नहीं दिए। हंसराज भाई आज हंसराज जो है वो नमक का पानी पी के आया, इतना एसिड बना के आया कि सारा चूरमा मुझे लग रहा है ये खा जाएगा आज, खूब सारा एसिड बनाया इसने पेट में। तो गाइज मैं सुबह सुबह जल्दी खाना खाता हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ, लड्डू मैं नहीं खाऊंगा, एक आध लड्डू खाऊंगा मैं, एंट्रीज में भी करा रहा हूँ, मेरा नाम भी लिखवा रहा हूँ। तो गाइज अभी कंपटीशन में थोड़ा सा टाइम है, तब तक आप इंजॉय करो। ये हाइपरलैब कोठारी फार्म हाउस पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं एंट्री कर रहे हैं, देखो
कैंडिडेट है, हमें लग रहा है कि ये जीत सकते हैं भाई, ये भाई जीत सकता है क्योंकि इन्होंने 16-17 लड्डू तो ऐसे ही खाए हुए हैं और इनका नाम ही लड्डू पहलवान है। इनका नाम लड्डू पहलवान है और सांगानेर से ही है, तो भाई जो है बड़ा दावेदार है, जीत सकता है। 5,000, 3,000 या 2100 कुछ तो लेके जाएगा भाई, उम्मीद है, उम्मीदों पे खरे उतरना। समूह भाई भी साथ में आए हुए दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्यादा खाने की और सबसे ज्यादा खाने की। तो यूनान में क्या प्राचीन में ऐसी सभ्यता के अंदर राजा हुए हैं वो क्या अपने साथ में ना खाने के टेबल पे एक पंख लेके बैठे रख करते थे, स्वादिष्ट भोजन बनता था उसको दबा के खाते थे, फिर क्या करते थे पंख को मुंह में डाल के उसको वोमिट कर देते थे, फिर और खाते थे, ऐसा मतलब था सिस्टम, मतलब समझ रहे हो, खाया उसको निकाला फिर खाया, इतना खाने का शौक था। एक भागड़ी मंगाओ लड्डू गांड करने का ठेका लेते, तुम गांड करने का गांड करे किसी ने, हमारे हमारे YouTube पे YouTube पे हिंदी में समझेंगे, गांड मींस गांड मतलब कुचल कुचल मतलब कादो है के चकल 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 गांड करने के चक्कर मुंगिया चक्कर मुंगिया आपको गांड करने के और कचरे ने तो ऐसे ही अगर किसी को ज्यादा खाने के बाद कुछ दिक्कत हो तो क्योंकि ज्यादा खाने में अगर कोई समस्या हुई तो जिम्मेदार आप खुद ही हो। तो गाइज मेरा नाम है अजय सिंह पवार, लेकिन मेरा एक और नाम है, आप सबको पता है मेरा एक और चैनल है पेमा की वाइंस। तो पेमा जो है लोगों को हंसाता है, मस्तियां करता है, मस्करियां करता है, तो ये भाई साहब भी पेमा के फैन है। अभी यहाँ पब्लिक के बीच में बोल रहा था वो पेमा कहाँ है, पेमा कहाँ है, भाई साहब पेमा है, है पेमा गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान है, पेमा ही अजय भैया है वो अकेला करो नहीं पर गंडोला टाइप करो। तो गाइज ये बहुत फरमाइश कर रहे हैं कि वो जो आप आंखों को ऐसे यूं करके बीच में करते हो, तो मैंने को बोल रहा है इतना कोई मुश्किल नहीं है, सब यहाँ देखना है बस, सब यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ यहाँ देखो, इधर उधर नहीं देखना, इसको देखो, इसको आगे बंद क्या कर रहे हो, इतना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान बहुत है, बस यहाँ देखना है, नाक को देखना, शराम भाई और बहनों भौजी आप भी पार्टिसिपेट करियोगी, चूरमो खाओ खाओ, जीतो कन जीतो कतरा खा जाओ, 20 कन 30 लड्डू आका का खाओ कन बोर्ड खाओ, 20 खाओ कि 30 खाओ, 20 तो खाए भौजी, इनके शरीर पे मत चढ़ावा, इनके शरीर पे मत चढ़ा, जो गांव के लोग होते हैं उनके सामने मुस्टंडे पहलवान भी फेल है, देसी मनगा के सामने। तो भैया जो है ये भी सिनेमेटोग्राफी की लाइन से हैं, और आपके स्टूडियो का नाम क्या? कलर्स डिजिटल। कलर्स डिजिटल इनका प्री वेडिंग है, इसका काम है, यहाँ पर काफी हमारे बड़े भैया हैं, इनसे हमको काफी सीखने को कुछ मिलता है, और ये हमारे को मतलब जो मैं जो करता हूँ उसके अंदर हमारी बहुत हेल्प करेंगे आगे, बिल्कुल करेंगे। और ये दोनों मेरे भाई हैं, मेरी तरह नाती हैं भी। तो दोस्तों जिन बच्चों के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है वो बच्चे अभी मैं दिखाता हूँ, इन बच्चों का सहयोग होना शुरू हुआ और इन्हीं के गांव के पास के सरपंच साहब दिनेश जी, बद्री जी, साध्वी और शोभालाल जी ने जो पीड़ा उठाया उसके बाद में। तो गाइस वैसे हंसराज के जीतने के इतने चांस नहीं, लेकिन कपालभाति कर रहा देखो। इसके इतने जीतने के चांस नहीं है, अभी डंडी भी पेल रहा था, माइनस में लाइट बहुत आ गई यहाँ, 50 डंडी पेल चुका है ये व्हाइट हॉर्स, इंदौर की धरती से बहुत महंगे मेहमान जो केवल अपनी आहुति देने के लिए यहाँ पधारे हैं। संगीत के मामले में इन्होंने बहुत गाने लिखे हैं, लगभग 4,000 के लगभग इनके राजस्थानी में गाने हैं, और राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए जैसे कवि लोग जोर लगाते हैं वैसे आप भी काफी जोर लगाते हैं। अब मैं प्रेस क्लब की ये जो कंटेस्टेंट देख रहे हैं आप, ये हनुमान जी सांगानेर, इन भाई साहब को 5 जने लेके हनुमान जी सांगानेर, उम्मीद है कि जीत जाए ये हरपुल जी, बजरंग के भाई हनुमान जी, मेरा भाई चितवन भी आ गया है, ये इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि नहीं नहीं लास्ट में खाएंगे अपन, लास्ट में खाएंगे, लास्ट में चाहिए बच्चे में सारे खा जाएंगे अगर बच्चे तो, हालांकि चांस लग नहीं रहा है। लगभग सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं, अभी चूरमा खाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, पर हमारे हंसराज भाई खुद दावेदार है पर वहाँ बैठ नहीं है, ये क्लिप बना रहे हैं वीडियो की, इसलिए बाकी पूरे पक्के दावेदार है हमारे हंसराज भी, दावेदार 4-5 जने, एक तो वो लड्डू भाई, इनका नाम है लड्डू भाई, वो बैठे हुए कोने में, वो जो बाबू जी बैठे हैं वो सबसे एज में है। तो ये रहे कंटेस्टेंट और ये रहा माल जो इनको चेपना है, और देखते हैं कौन जीतता है।
कौन ज्यादा खाता है? मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, कौन जीतेगा? घसड़ी की कोई जीते, मैं चारू देखो। तो गाइस पत्तल रखी जा रही है, इस पत्तल में एक पत्तल में लगभग मिनिमम 5 लाडू रखेंगे। हंसराज कितने खाएगा? कितने खाएगा? मेरे को इन पहलवानों को देख के मेरी भूख मिट गई। मेरे को हार मान ली, हार मान ली। और कितना खाओ? 50 50 समय रहेगा पक्को। 50 50 फेंक रहे आसमान भर के होना खत्म हो जाएगा। 20 मिनट का समय रहेगा। 50 50 भाई साहब कतरा। मैं तो शुरुआत ही आज करूंगा लड्डू खाने की। गजब बात कर दी। नहीं चूरमा खाया होगा ना कभी? नहीं यो अब तक को सब बढ़िया मजा को सुबह सुबह सब बढ़िया मजा को यो याद रहता है। इन आदमी ने जगह चेंज कर दी। ऐसा था कि मेरा चूरमा पहले वाला काट रहे हैं। बहुत सारे यार, ये जो है सबसे ओल्ड कंटेस्टेंट है हमारे यहाँ, सीनियर सिटीजन कंटेस्टेंट है, और कोई भी नहीं, बाकी सब जवान पट्टे हैं। ये देखो सब जवान पट्टे हैं। कई उम्र हुई बोलिए आपको? 70। देखो कॉम्पिटिशन में भाग लिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात। गाँव वालों ने कहा कि लड्डू यही खाते हैं। अच्छा, 70 लड्डू का रिकॉर्ड है इनका। अब देखो क्या होता है। और मुंबई में 70 हो गए, थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन 70 लड्डू का रिकॉर्ड। ये फेंक रहा है, फेंक रहा है। तो हर हर महादेव का जयकारा लगा के अब ये शुरू होने वाला है। बस अभी सबकी प्लेट में लगभग मिनिमम 5 लड्डू रखे जाएंगे। गाना चल गया, हमने कल बनाया इस गाने को। इस गाने को कल हमने, जो हमारे गौतम गोविंदा भैया है वो बैठे, देखो उधर गौतम गोविंदा, इन्होंने लगभग राजस्थानी 4000 गाने बनाए दोस्तों, और बहुत लोगों को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है। इनको देखा होगा आपने यूट्यूब पे, इन्होंने हमने मिलके लगभग मुश्किल से 15 मिनट में गाना बनाया। आज ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने एक रिकॉर्ड बनेगा भिलवाड़ा का कि सबसे ज्यादा कौन खाता है। सही बात, क्यों कैमरा ऑन है। बातें तो हमने भी खूब सुनी है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दो बबर लून खा गयो तो। लेकिन अभी देखते हैं लोग कितना चूरमा खाते हैं। ये तीन ही जाते हैं, साबु तैयार हो रहा है, जन फैशन शो है, जबकि प्रोग्राम तो चूरमा खा भागो है। ये बैठो मोटिवेट करने आए थे इस लाठिया को। ये लाठिया हमारा हंसराज खारी बॉय बैठा है, लाठिया बॉय, दोनों लाठिया बॉय है। हमारा भाई जीता है, हंसराज जीता है। हंसराज मैं ना लाग रही हूँ जीत ही लेके आ रहा हूँ, लाए या नहीं ये बता। बोलता उस टाइम हो रहा ना, नहीं जीतेगा मैं सबको बता यार, बहुत ज्यादा पहलवान आ गए हैं। अब मांगता यार, फटरी इसके फटरी, तो अब यही गिव अप कर दे, लड्डू छोड़ जा परोट। नहीं नहीं ट्राई करेगा, हारेगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो दो ही खाऊंगा। देखो मेरी प्लेट सूनी पड़ी हुई है भैया, क्योंकि मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ, दो खाऊंगा, मेरे तीन वो खा लेगा। जय करे वीर बजरंग की बोला, हर हर महादेव करके शुरू कर देना। और आज ये भिलवाड़ा का इतिहास आप सब रचने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और वो भी रजिस्टर्ड। जय करे वीर बजरंगी। चलो बेहतरीन मुस्कान के धनी मुकेश भाई आ गए हैं, और आप मैं तो एक ही खाया है, मुझसे पूछे कितना खाया, एक ही खाया है। बहुत सारे भी 10 तो हो चुके हैं लोग, जिनको और चाहिए आप 15 हो गए, और जो तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। घूम रहे हैं 15 आज कुछ आइटम नहीं है, आप साइड में आ जाएंगे ठीक रहेगा। 15 खा गया, 1500 15 खा गया, ये 15 खा चुका है, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। वेल लाठिया, हमारा लाठिया 15 खा चुका है, 15
कतरा हो गया भाई, ये तो मारू भी बच्चे हो। मैं दो तो खाया गम गम, मैं दो खाया एक खाया, तेरा तेरा खाया, सम्मानजनक स्थिति है। कमी हो तो जाओ ना, खाओ बच्चे, स्पीड बढ़ाओ बच्चे। ओ भी खुशड़ी को 20 खा गया, इसको होते 20 हो जाएंगे। लड्डू कितने का ला दूं? लड्डू इज्जत रख रहा है, लेकिन तू लोटा इज्जत रख रहा है, सम्मानजनक स्थिति पे है। हंसराज जीतेगा कोई बात नहीं, अगर जी घबराया तो एक मोर का पंख लाऊंगा, इसके गले में डाल दूंगा, उल्टी कर देगा। जीतना है टॉप थ्री में तो आना ही है। मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इज्जत रख ले, इज्जत रख ले, टॉप थ्री में तो आ जा कम से कम। आप उठ सकते हैं, वो भाई साहब ने भी बहुत खाया, उन्होंने भी बहुत खाया, उन्होंने भी बहुत खाया, वो भाई एक वहाँ उसने भी 20 खा गया लड्डू। भाई साहब 20 खा गए, 5 ओवर ले रहे, 5 मिनट और बचा, दूर हो जाए थोड़ा प्लीज, आप उस प्रतियोगी से दूर हो जाए, कतर के खिलाड़ी के पास कोई नहीं रहेगा। और ये प्रतियोगी हमारे 2 मिनट दिए, लास्ट 2 मिनट और है दोस्तों, लास्ट ये 2 मिनट आपके स्टार्ट है। अब इसमें आप क्या कमाल करते हैं, आपके भविष्य में पीढ़ियों के लिए जो आप जा रहे हैं, दो तीन तो खा जाए। इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। तो भी और मंगे तो लड्डू 20 मत खा के, जबरदस्ती ना खाए, जब कहने दे भाई माल भराया है, पेट में पड़े हैं भाई साहब, कोई मंत्र फूंक रहा है, मंत्र फूंक आया, मंत्र अपने एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए, ठीक है ना। जितनी अपना प्लेटफॉर्म पर जगह है ना, अरे आखिरी लास्ट सुन क्या, एक हमारे भी लो भाई, इच्छा पूरी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों टाइम अप हो चुका, तो दोस्तों 20 से भी ज्यादा लाडू खाने के बाद इतने आराम से चल रहा है, देखो कहाँ गए गायब हो गए। आप सभी से निवेदन है, ब्राह्मणों में कहावत है कि ब्राह्मणों ने भोजन के पीछे राजपाट भी छोड़ दिए, ये 24 लड्डू खा गया, 24 खाके भी सिकन को लेना, कोई सिकन नहीं है, मस्ती से एक घूंट पानी मिल जाता ना, एक घूंट पानी चले गया, पानी होता ना मजा आ जाता सर, पानी नहीं पिला सकते, खिचड़ी दाल नहीं दाल दियो, दामा नट जाता दामा। तो दोस्तों अब रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, रिजल्ट अनाउंस होगा, अब देखते हैं सबसे ज्यादा चूरमा किसने खाया विशेष, और कौन है चूरमा का सूरमा, मुकेश जी। वैसे तो उनको पता चल गया होगा कि कौन विजेता है, क्योंकि जितने ज्यादा खाए उसको पता है, फिर भी मैं इस प्रतियोगिता में चूरमा खाने के इस दौड़ में तीसरे नंबर पे जो रहे हैं रामपाल बलई, इन्होंने 22 लड्डू खाए हैं दोस्तों, 22 लड्डू के साथ ये थर्ड आया भाई। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं हंसराज अठारिया, वाह यार क्या बात है, हंसराज अठारिया दूसरे नंबर पे, इनके लिए कहा जाता है कि 2 किलो दाल पी जाते हैं, पीके जाते पीके। और गुलाब जामुन शायद 3 किलो इन्होंने खाए हुए हैं, लेकिन आज 24 लड्डू खाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाकर दूसरे स्थान पर रहे हैं हंसराज अठारिया। अब पहला जो प्रतियोगी है जिन्होंने इस देश को जीता है वो है कैलाश चंद्र शर्मा, इन्होंने 24.5 लड्डू खाए हैं। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं आचार्य जी, वो भी संयोग से ब्राह्मणी हैं अंतराज जी, तो पहले और दूसरे स्थान पर पंडितों ने इस प्रतियोगिता जीती है। तीसरे नंबर पर रामपाल बलई ने जो जीत हासिल की है, मैं तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। आप बता रहे तो दोस्तों हंसराज जो है बड़ा मतलब बेचैन हो रहा है, ये कह रहा है कि यार मैंने क्यों इस मतलब कंपटीशन में भाग लिया, क्यों, क्योंकि अब बाद में पता चला कि ये खाना भी बन रहा है, इसने तो चूरमे से पेट भर लिया लेकिन अब ये खाना नहीं खा सकता, परेशान हो रहा है, मैं बोला उल्टी कर ले यार, और तो क्या उल्टी कर ले, एक बार 24 लड्डू खाए थे मैंने,
तो भी 24 लड्डू खाए यार, मैं तो दो खा के परेशान हो गया, 24 खा गया सर। अब ये क्या उल्टी कर लो यार, वो बाटियों के छोड़ने के लिए मैं क्यों उस माल को निकालूं, क्यों व्हाई दिस कोलैबोरेटी। ये भाई हमारा चितवन रोटिया का बहु आनंद माना आए यू ने, सॉरी नॉट रोटियां बाटियां लगिया, क्या बनी है बाटियां, वी आर टेकिंग बाटियां, बाटियां दाल खावन लगी थी, चूरमा ने खाओ चर को खाओ अंतरा सोच के यार, हमको तो इनाम से मतलब नहीं, हमको तो दाल बाटी से मतलब है, दाल बाटी खानी है हमको, चूरमा नहीं खाया हमने, इसने खाया चूरमा इसलिए नहीं खा सकेगा अभी ये दाल बाटी। 3100 रुपए के मैं सुनो एक ना तो खाओ राशन कमा, सुनो 3100 है ना, 1100 की जुआरी राखनी, 2000 रुपए अपने दोस्तों में खर्च करना है, ओके और अगर ना करिया लेट्स डू तो बात ही खत्म। तो गाइस दाल बाटी का आनंद ले रहे हैं अब गौतम गोविंदा भैया, ये हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, उधर मुकेश भाई और नारायण जी की दाल जानते हो, नारायण जी आप भी तो खाओ, कितना खाओ। दोस्तों दाल बाटी ऐसे खाई जाती है यूं मसल मसल के, कई बढ़िया की नहीं चप्पर चप्पर नहीं एकदम देसी स्टाइल में कबाब को आनंद की हो रहा है, वो जोरदार फुल मजा आएगा कल से हम तक आएगा भैया, चूरो ना इसको गौतम भैया, बढ़िया की जैसे खा रहे हैं, अरे नहीं नहीं खा रही मैं, चूरो इसको चूरो। ये रईसों की जैसे नहीं खाई जाती है, देसी स्टाइल में खाते तभी मजा आता है, बिल्कुल फुल देसी। आनंद आ गया, हमारे मेवाड़ में खाने बैठते हैं तो जब तक ये नहीं करते हैं, ये स्टेप लास्ट स्टेप है, तब तक भोजन इनकम्प्लीट है। यो और झूठा नहीं छोड़ते देखो, और अभी हमारी थाली देखो, मेरा मन नहीं है लगन चाटेगा इसको, मैं पी रहा हूँ देखो, देखो मैं पी रहा हूँ। दोस्तों सफाई को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ, मैंने पहले भी मतलब अकेले नहीं, मेरा एक मित्र था चंदन, हमने ये जो शिव जी का मंदिर है अपने हरणी महादेव तालाब, उसको हमने दो बार साफ़ किया था, और माता जी की जो पहाड़ी है उसको भी दो बार साफ़ किया था, और वहाँ पे थोड़ा जागरूक किया था लोगों को। तो मेरे भाई जो मुकेश भाई हैं, ये अभी एक काम चालू किया है इन्होंने बहुत बेहतरीन, 10 मिनट देश के नाम, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और ये सफाई का काम करते हैं बहुत तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से, कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए ये प्रेरणा हमें अजय भाई से ही मिली है, अजय भाई छुप छुप के अकेले इनके एक साथी चंदन के साथ मिलकर पहाड़ियों पर सफाई करते थे, और हरणी महादेव तालाब से भी इन्होंने दो बार सफाई की थी, स्टेटमेंट है, इन्हें देख देख कर हम बहुत प्रेरित होते हैं, अपनी बुलेट को अपनी जो भी इनके पास गाड़ी होती है पल्सर होती है जो भी होती है उसे एक टायर पे एक सूत पर उसको चलाते हैं केवल एक टायर पर, उसी से इनसे बहुत ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे भाई हैं नारायण जी बदाला, मोहन जी नागा, ऐसे कई दोस्त हैं हमारे जो हमें प्रेरित करते हैं 10 मिनट देश के नाम। ये सारा जो काम है निस्वार्थ भाव से, बाकी लोगों को गंदगी फैलाने से मतलब नहीं यार, मतलब इतना मतलब लोग ऐसे हो चुके हैं, मतलब उन लोगों का भी धन्यवाद जो गंदगी फैलाते हैं, इसीलिए ऐसे चेहरे चमकते हैं और सही बात है, सही बात है, हंसते हैं हंसते हंसते कचरा साफ कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइस कैसा लगा आपको ये धमाकेदार वीडियो, जो चूरमे की प्रतियोगिता थी वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, ये बहुत ही नोबल कार्य था जो कि नारायण जी भाई साहब ने अपने जो इनका फाउंडेशन इनकी जो संस्था है जिसका नाम है नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के तहत जो ये प्रोग्राम करवाया गया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही यूनिक और नई थीम थी, जिसमें कि जैसे कि बहुत से और तरह तरह के प्रोग्राम लोग करवाते हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत ही यूनिक था, मेवाड़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चूरमा खाओ सूरमा बन जाओ करके प्रतियोगिता करवाई गई, और उससे जो पैसा जो भी फंड में आया वो 5 जो गरीब बच्चे हैं अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सहयोग किया गया, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा कार्य जो ये संस्था है भैया की करती रहती है। और भैया कुछ कह रहे हैं, भाई का काम बहुत अच्छा है, अजय सिंह ब्लॉग्स के नाम से जो YouTube चैनल है आप सब्सक्राइब करें, और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो भाई के चैनल पर देखो, अजय सिंह चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको, और इस तरह की प्रतियोगिता आप भी कराए, देसी स्वदेशी को आगे बढ़ाए, एक ही चीज पिज्जा बर्गर चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़े, मजे लेते रहें देते रहें, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके वीडियो को शेयर करना जरूर, बहुत मेहनत करते हैं सच में, बहुत इनके रागे छुल जाती रागे मतलब जांगे छुल जाती इनकी जांगे।